वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं आई हूँ अपने सारे पेट्स को डाइट वगैरह डालने के लिए। और नहीं है इन्हीं को तो अभी बादल हम लोगों ने देना है, लेकिन सारे बार आगे इनको भूख लगी हुई थी। रात को उसको मैं डाल के गई थी, उन्होंने सारा खत्म कर लिया, अभी फिर इनको डालते हैं। माशाल्लाह हमारे जो व्हाइट कबूतरों के बच्चे हैं, ये कितने बड़े हो गए। बिल्कुल अपनी माँ के साथ जब खड़ा होता है ना, माँ के साथ होता है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा नहीं है। ये वाला देखा आपके कबूतर लगता है ना बिल्कुल। हाँ, ये मतलब जो बड़े कबूतर होते ना उसका, इसको पीछे रख। आप ही कहना मानता तो इसके पास राइट नहीं हो ना। इनको भी हम इधर बाजरे डालते हैं ताकि ये अपने बच्चों को फीड कराए और इनके बच्चों को जो है ना पेट भर जाए। आप ही सारे आ गए। ये देखिए, ये पहले आई है अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। आप ही आदत से भी ज्यादा से तो डालती क्योंकि फ्रेंड्स इनके बच्चे खुद पे खाते हैं और ये भी इनको फीड कराते हैं। डाल दे डाल दे। और वहाँ पे जो ये कबूतरी है ना, इसने अंडा दी नहीं, ये कबूतरी है ना, हाँ इसने अंडा दिया है। वो देखिए अभी उधर से निकली है पीछे से, तो इनको थोड़ा सा भी हम और भी डालते हैं। ज्यादा सारा डालने के सारे हमारे कबूतर इसको फिक्र ही नहीं। देखिए इसकी सारी टेल के ऊपर बाजरे चले गए, ये खाने में लगे हुए, इनको भूख लगी थी। ये देखिए फ्रेंड्स खा रहे कैसा है, सारा इधर उधर फेंक रहे हैं। बीच में छोटे छोटे दाने ढूंढ के खाते हैं। चलो अभी टाइगर और बघीरा को भी, टाइगर बघीरा को भी आएंगे ना मोश लो। टाइगर और बघीरा भी कितने बड़े हो गए। सबर ये पकड़ो हेरा, ये पकड़ो जरा, मैं इनको दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे खाओ आप लोग भी, खाओ ना डाइट। आ जाओ आप भी आ जाओ। फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह मेरे टाइगर को, और शायद अब इनकी जो है ना माँ को भी निकालते हैं। चलो तुम भी आ जाओ। फ्रेंड्स अब ये जो है ना ब्लैक वाली पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी है ना, और मारती थी हाथ के ऊपर, अब नहीं मारती। अब इनके बच्चों को मैं उसके सामने खुद दिखाती हूँ, क्योंकि अब इसके बच्चे बड़े हो गए ना, तो उसको ये लगता है कि अब वो खुद मुकाबला कर लेंगे, तो इसलिए अभी ये कुछ भी नहीं करती है। देखिए वैसे भी इनको बच्चों को हाथ लगाती तो सही है ना, वो करती थी मारती थी। फ्रेंड्स इनके लिए भी पानी मिलाना है, इसको यहाँ पे साइड पे रखते पहले। फ्रेंड्स देखिए ग्रीन वाली को जगह ही नहीं दे रही, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मैं खाऊं पर ये माँ और ये इसके बच्चे खा रहे हैं, पीछे बस एक ही लगी हुई है और सारे खड़े होके देख रहे कब हमारी बारी आएगी। लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई कर रहे हैं, इनको बोलो ना लड़ाई ना करो, ये तो लड़ाई करते हैं। ये देखो कैसे सारे लड़ाई कर रहे हैं। चलो जी आप लोग अभी खाओ और हम बैठ जाओ। अभी देखिए माँ के सामने जब मैंने डाला था तब नहीं खा रही थी, अभी हम बैठ जा रहे तो वो खा रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अपने रैबिट का भी लाइट ऊपर ही रखी हुई है। फ्रेंड्स कल हमारा ना एक रैबिट घूम गया था, तो फिर परसों घुमा था, तो कल हम अंकल बाहर आए हैं, उन्होंने कहा है कि आपका रैबिट है, तो मैंने कहा जी। उन्होंने बोले कलर कौन से, मैंने ब्लैक और वाइट बताया, कहते हैं वही है। तो मैंने फिर आदली लोगों को और इसको हीरा को भेजा था, ये जाकर उसको पकड़ के ले आए। बहुत लगता है वो खुद नहीं निकले, ये डॉगी की जो रस्सी खुल गई है ना। कल मम्मा पापा आए थे रात के टाइम, तो वो उधर ना ये देखिए जो रैबिट का हाउस है इसके साथ डॉग की जो है ना रस्सी यहाँ पे अटक गई थी, और ये यहाँ पे बंद रह गया था, और हमारा रैबिट वहाँ से उधर गए हुए थे, और जो है ना और हमारा एक रैबिट था। तो भी हम ये उठाते हैं और डालते हैं। हम लोगों ने अपनी मुर्गी को भी डालना है ना जी। ये पकड़ो सबर एक साथ डालेंगे। आप मैं डालूंगा, अपने कबूतरों को डाला है, मुर्गी को मैं डालूंगा। ये मीरू आपने किए? हाँ किए। अच्छा वो देखिए फ्रेंड उसने अपने सारे पाँव पीछे वाले पाँव सारे गंदे किए हुए हैं, रेत के अंदर ना उसने वो सुरंग बना ली। किसको देना है ये भी इनको देंगे, पहले इनको हम दे।
कंप्लीट हो गया। देखिए हमारे पीछे ना उसने खाने पर हमला कर दिया, हमारे पीछे बैठ के देख रहे थे। इसने बंद कर दी थी, अंदर सारी चीजें ले गया था और जाके बंद कर दी थी, और फिर इसने जो है ना आज दोबारा खोल ली है। मैं ऐसे दे दूंगी जो ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। मुझे डक से डर शाम का टाइम है और हम अपने सब पेट्स को देखने के लिए आए हैं सारे कदर मिलके, क्योंकि आज हमें बहुत ज्यादा खुशी है। जो हमारा रैबिट घुमा हुआ था वो आज हमें मिल गया है और उसने अपने यहाँ पर सुरंग बनाई हुई थी जो उसके अंदर गया हुआ था। इसने बहुत आगे बनाई हुई है, हमें पता था सुरंग है पर हम लोगों ने अंदर नहीं देखा ना, तो आज ये बाहर निकला है। यहाँ पे ये इसकी सुरंग है, इसने अंदर बनाई हुई है, बहुत आगे है। उड़ भी रही है आगे से। और ये वाला फ्रेंड्स हमारा रैबिट था जो बना हुआ था। देखिए आज तो बारिश हुई है ना, तो इनके ऊपर जो पानी आया तो ये कितने मजे से इन्होंने नहा लिया है और सब खुश हो गए बिल्कुल। और फ्रेंड्स आज तो हमारी डॉग्स ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि अभी मैं ना डॉग के पास गई हूँ ना, तो उधर ना दो अंडे पड़े हुए थे। फ्रेंड्स हमारे डॉग के पास हम गए तो वहाँ पे ना हमारी इस डॉग के दो अंडे पड़े हुए थे, इसने भी जाके कौन सी जगह पे बिल्कुल डॉग के पास जाके इसके जो थे वो छोटे थे ना, और उसके जो है वो बड़े हैं। बड़े हैं उसके जी। हाँ, और हेरा आप राफी देख के अभी कितना एंजॉय कर रहा बारिश में। हाँ, तो राफिया आज तो हमारी मुर्गी को जो है ना हो गए 19 डेज हो गए हैं, और मेरे ख्याल से जो 3 दिन के बाद 25 दिन के अंदर बच्चे निकालेंगे। बच्चे होंगे तो अंडे से निकलेंगे। और और अभी हम लोग ना अपने सारे पेट्स को देखते हैं, और हमारे रैबिट का हाउस भी अभी हम लोग ने रेड हाउस का भी काम बत्तखों से डर के उधर ऊपर खड़ा हुआ है। राफी आप बच्चों के पास जाए ना जरा सा, ये तो बहुत है। तो फ्रेंड्स हमारे डॉग उधर से इतने मजे से यू मू करके ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत शरीफ हो, उसके अंडों को उठाने ही नहीं दे रहे थे, इतनी मुश्किल से उठाए हैं। और फ्रेंड बाकी हम लोगों ने अपने सारे पेट्स को डाइट डाल दी है, और हमारी जो मुर्गी थी ना उसके अंडे
आप लोग अभी देखिए ये बड़े जैसे जैसे होते जा रहे हैं, वो अभी अपनी डाइट खा रहे हैं। और रफिया देखो जैसे जैसे लोग बड़े होते जा रहे हैं अपनी डाइट भी कुछ खा रहे हैं। अभी तो हमारे कबूतर बच्चे भी दे रहे हैं, अंडों में से बच्चे भी निकाले, अब तो हमारे कबूतर ज्यादा भी होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमारे जो खरगोश है ना वो भी बच्चे देंगे, और सर जो है ना हमारे कबूतर अंडों से भी बच्चे निकलेंगे, मुर्गियों के भी बच्चे आ रहे हैं हमारे। पहले डाइट उसकी अगर टिकी है उसको खिलाई है और अभी इसको खिलाएगी। पहले फ्रेंड्स इनकी जो माँ होती है ना वो छोटे छोटे दाने बीच में से चुन के और फिर इनको खिलाती है। आप ही वो जो चुन्नू और मुन्नू नहीं है वो तो खुद ही खाते हैं डाइट और साथ में मम्मा से भी खाते हैं। गैस जी गैस पहले जो माँ ने अपने बच्चे को खिलाए फिर वो बच्चे अपने आउट करने चले गए, दूसरे पे अपने आउट करने चले गए। और तो मौसम बहुत ज्यादा तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अपने डॉग को इस वाले आखिरी केज में बंद किया हुआ है क्योंकि इसने ना अभी इसकी हम चैन नहीं लाए हैं, इसने बार बार ही अपनी चैन तोड़ देता है, तो इसको भी हम लोगों ने पक्का बांधा है। मैंने रात को मैं बाबा के साथ आई थी तो उसको पक्का बांध के गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसको अंदर बांध दिया था बाहर, फिर ये गीला होके बीमार ना हो जाए इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे कबूतर भी सारे बाहर निकलते जा रहे हैं कितने मज़े से, क्योंकि इन्होंने अपनी डाइट खा ली है ना तो सारे बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आपको हमारी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना।